अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दामी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी सिंघानी पथरगढ़ डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से आप लोग के सामने हमारा यूट्यूब चैनल आर के दांगी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज जो दिनांक मान लेते हैं 11 तारीख है, तो 11 तारीख के बीच में हमारा जो सीड आया था पंगास का आया था, 3000 लाइन का बच्चा आया था और अपना क्या कहते हैं मोनोसेक्स तलपिया का 5000 लाइन का बच्चा आया था। तो 5000 लाइन का 5000 बच्चा आया था और 3000 लाइन का 3000 बच्चा आया था। तो आप देख सकते हैं बिखरा उखरा है, प्लास्टिक कुछ पैकिंग खुल गया है और कुछ पैकिंग बाकी है। तो नाइट में मैं पहुंचा और बड़ा दिक्कत हुआ और इसके बहुत घटना दुर्घटना भी हुई हमारे साथ। तो उसके बारे में बाद में आपको डिस्कस के तहत बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या झेलना पड़ा, कैसे मैं बच्चा लेके आया उसके नाम से, और करना क्या है और कैसे करना है आज मैं अपडेट दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और नया प्रोडक्ट निकला है ये हमारे डॉक्टर एस ससमल साहब का है और परबोकेयर, ठीक है जी। इसको अपने को लेना कितना है, मात्र 1 ग्राम लेना है, 20 लीटर वाटर में 1 ग्राम लेना है। उसका घोल बनेगा तो इस तरह का घोल बनेगा, इस तरह का घोल बनेगा और मतलब 250 ग्राम नमक लेंगे, उसमें 20 लीटर पानी मिला देंगे, ये हो गया। और जो टैंक में हम लोग को मछली छोड़नी है उसी टैंक का वाटर ले लेंगे, 20 से 25-50 लीटर ले लेंगे ये। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब अपना पैकिंग आता है तो सबसे पहला चीज़ ये, मेरे को भी बहुत बाद में पता चला, धीरे धीरे जब आदमी को ठोकर लगता है तो ठाकुर बनता है, मेरी बात है, डबल पैकिंग में हमेशा पैक होना चाहिए। डबल पैकिंग में खोल दिया हूँ, डबल पैकिंग में पैक होना चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन करेंगे टैंक में डाल के आधा घंटा के बाद अपन क्या करेंगे, उसको बॉक्स क्या कहते हैं जो अपना पैकिंग है उसको निकाल के, जो अपना पैकिंग क्या कहते हैं बॉल्स में आया है, यानी कि अंडा का जो ट्रे मतलब कार्टून होता है उसके अंदर रख के, उसमें जितना वाटर पहले से है उतना वाटर और उसी टैंक का वाटर उसमें ऐड कर लेंगे। वाटर टैंक में नहीं जाना चाहिए लेकिन उसमें वाटर ऐड करेंगे, इससे क्या कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगी मछलियों में। उसके बाद अपने को 20 सेकेंड नमक के घोल में रखेंगे पहले, उसके बाद 20 सेकंड तक हम जो है परबोकेयर का जो घोल बना हुआ इसके अंदर रख लेंगे। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं ये फ्रेश वाटर में 20 से 25 सेकंड बढ़िया से धो के उसके बाद टैंक में हम अप्लाई कर देंगे। तो मैं एक छोटा सा क्या कहते हैं क्लिक है जो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उतना तो लंबा नहीं बता पाऊँगा, और क्या कि उसके बाद मैं टैंक में दिखाऊंगा कि मेरी मछलियाँ जो अभी छोड़ा हूँ तो वो कैसी है और किस तरह की है। तो एक मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए जाल। देख सकते हैं दिख गया होगा, ये मैं नमक के घोल में मैं डीप कर रहा हूँ। ये नमक के घोल में मैं डीप कर रहा हूँ, इस तरह आप 20 सेकंड तक डीप कर लेंगे। उसके बाद परबोकेयर का जो घोल बना हुआ है इसमें 20 से 30 सेकंड तक अपन घोल करेंगे डीप करेंगे। उसके बाद फ्रेश वाटर में अपन इसको बढ़िया से धो लेंगे।
देखिए इसका हम टैग में अप्लाई करने जा रहे हैं। बोलिए। तो हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे टैग में अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है। सारी मछलियाँ धीरे धीरे निकल जाएगी। ये कल के डेट में मेरा जो पैकिंग हुआ था करीब 10-10:30 बजे हुआ था, और नाइट में मैं अपने फार्म पे इसको लेके आया हूँ 4:00 बजे। और 4:00 बजे से लगा हूँ, लाइट कट गया था इसीलिए मैं क्या कहते सुबह का जो अपडेट है वो दिखा नहीं पाया। उसके बाद अभी मतलब मान लीजिए 6:30 बज गया, तो थोड़ा सा धूप सर हो गया, हमारे यहाँ निकल आता है जल्दी से। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। यही है, इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जवाहर, जय हिंद। अगला टैग भी दिखा रहे हैं।